सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं चुका हूँ एक और नए वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ टॉप 3 शेडर फोर माइंड का पॉकेट एडिशन 1.19 जो कि वर्क करने वाले हैं रेंडर ड्रैगन में। और हाँ, आपके लो एंड डिवाइसेस में ये अच्छे से वर्क करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहना। और हाँ, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को लाइक है मैं 200 लाइक। जो लास्ट वाला शेडर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे देखना मत भूलना। सो ये है नंबर 1 शेडर। इसकी आप लाइटनिंग देख ही सकते हो, कितनी जबरदस्त यहाँ पर लाइटनिंग देखने को मिल जाती है। ये रेंडर ड्रैगन में वर्क करता है। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी शेडोज, और यहाँ पर आपको शेडोज भी देखने को मिल जाती है डायनेमिक वाली। यहाँ पर आप ट्री की शेडो को देख सकते हो। मैं आपको इस शेडर का वाटर दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना रियलिस्टिक वाटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर देखने को मिल जाता है। ये रेंडर ड्रैगन में तो बहुत ही बड़ी बात होने वाली है। यहाँ पर इतना रियलिस्टिक वाटर आपको रेंडर ड्रैगन में मिल रहा है। मैं आपको इस शेडर की रेन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल जावा एडिशन वाली यहाँ पर फील आ रही है, बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक। और यहाँ पर आप सन का टेक्सचर देख सकते हो, कितना अल्ट्रा रियलिस्टिक यहाँ पर सन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये गोल वाला सन नहीं है, स्क्वायर वाला सन है। अब मैं आपको इस शेडर का नाइट टाइम दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो इसकी लाइटनिंग, मतलब डायनेमिक लाइटनिंग कितनी अच्छी सी लग रही है। अब बढ़ लेते हैं नेक्स्ट शेडर की तरफ, जो कि नंबर 2 शेडर होने वाला है। ये देख सकते हो आप इसकी सन को, और यहाँ पर कितने अच्छे से यहाँ पर सिनेमेटिक्स में ये रियलिस्टिक लग रहा है। इस शेडर में आपको फॉग भी देखने को मिल जाती है, तो आपकी फीलिंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस शेडर में आपको वेविंग लीव्स तो नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आप काम चला सकते हो इस शेडर से, वो भी रेंडर ड्रैगन में। यहाँ पर आप देख सकते हो बस इस शेडर में फॉग ही है, और क्लाउड्स भी नॉर्मल से दिए गए हैं। अब इसका वाटर भी देख लेते हैं। ये वाले शेडर का वाटर पिछले वाले शेडर की तरह ज्यादा रियलिस्टिक यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, ये थोड़ा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। अब आपने ये शेडर तो देख लिया, अब मैं आपको नेक्स्ट शेडर दिखा देता हूँ जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है। उससे पहले नंबर 2 शेडर की यार इस वाली लाइटनिंग को देखो, ये मुझसे सबसे प्यारी लगी, तो मैंने इसे भी वीडियो में ऐड कर लिया। और हाँ, इसकी नाइट स्काई भी बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो अब देख लेते हैं नंबर 3 शेडर। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बताया था ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है और आपको भी पसंद आने वाला। और देख ही सकते हो कितना अल्ट्रा रियलिस्टिक ये यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जिसने भी ये शेडर रेंडर ड्रैगन के लिए बनाया होगा वो भगवान होगा भगवान। यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेडर का सन तो नॉर्मल ही है, मतलब स्क्वायर ही है। अब मैं आपको और कुछ दिखा देता हूँ। एक बार इस शेडर की शेडोज को तो देखो यार, कितनी गजब की लग रही है, एकदम जावा एडिशन वाली फीलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब मैं आपको इस शेडर का वाटर दिखा देता हूँ। देख सकते हो ये भी नॉर्मल वाटर है, रेंडर ड्रैगन में ऐसे ही वाटर होते हैं सारी शेडर्स में, कोई भी रियलिस्टिक वाटर नहीं दे सकता अभी के लिए। आप कह रहे हो ये तो नॉर्मल शेडर है, तो तू ये पर्सनल फेवरेट क्यों बता रहा था। अब मैं आपको इसकी रेन दिखा देता हूँ, उसे देखो और बताओ कॉमेंट सेक्शन में कैसी है ये। सो आपने शेडर्स तो देख ही लिए, तो आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना, उसके लिए आपको जाना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां पर जाकर मैंने एक लिंक दे रखी है, सिंपली उसे ओपन कर लेना है। फिर आप आ जाओगे गूगल सर्च में, सिंपली आपको सबसे पहले वाली साइट पर क्लिक कर देना है। फिर वहां पर जैसे आप क्लिक कर दोगे, फिर वहां पर वो वाली मेरी वेबसाइट होने वाली है, उस पर आपको इस पोस्ट की थंबनेल दिख जाएगी। और अगर नहीं मिलती है तो आप सर्च बार में जाकर सिंपली सर्च कर सकते हो। फिर आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी, सिंपली उस पर होल्ड करके रखना है और आपको उसे इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा और आप लिंक मिल जाएगी। फिर आप मीडिया फायर में आकर सिंपली उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको आ जाना है अपने फाइल मैनेजर में आकर आपको लोकल स्टोर लोकल फाइल्स में जाना है। फिर आपको इस वाले फोल्डर में जाना है, और यहाँ पर आपको मैंने तीनों शेडर्स की लिंक दे रखी है, सिंपली इनको ओपन कर लेना है। अब आप इंजॉय कर सकते हो तीनों शेडर। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।